हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। सो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो पहले हम लोग जानेंगे कि एटम क्या होता है। तो एटम इज़ दैट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर विच कंटेन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स फ्रॉम विच ऑल द वर्ल्डली थिंग्स आर मेड अप ऑफ। सो यही हम लोग एटम का डिफिनेशन लिखेंगे। सो जैसे कि मैंने लिखा है कि एटम्स आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल from which all the worldly things are made up of and contain subatomic particles. So अब ये subatomic particles होते क्या हैं? तो subatomic particles हमारे तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो जैसे कि मैंने कहा कि ये subatomic particles थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे एक बार जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, इस डेफिनेशन को ध्यान से देख लीजिए कि एटम्स आर दोज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ना कि स्मॉलेस्ट नोन स्ट्रक्चर है। तो ये एक मतलब कि हम लोग जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनमें से एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिनसे दुनिया की सारी चीज़ें बनी हुई हैं और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं। तो अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होंगे? जैसे कि मैंने कहा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे ज़ीरो चार्ज। ज़ीरो चार्ज कहने का मतलब ये न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए मैं एक एटम का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो देखिए इसके सेंटर में प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो अगर इसके सेंटर पे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे ज़ीरो चार्ज और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, तो ओवरऑल चार्ज सेंटर पे प्लस हो जाएगा। ये मान लीजिए कि मैंने दो ऑर्बिट बना दिया, तो इसके ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये यहाँ और एक यहाँ, और इसके आउटर ऑर्बिट में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जैसे कि जो ऑर्बिट में है वो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे और जो सेंटर में है वो प्रोटॉन्स कहलाएंगे। सो ये तो एटम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग को जानना है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सो मॉलिक्यूल्स जानने से पहले हम लोग एक और बात जान लेंगे कि जैसे कि ये जो मैंने एटम बनाया है ये लिथियम का है, जिसका एटॉमिक नंबर है 3। सो जैसे कि ये मैंने ऑर्बिट बनाया, तो ऑर्बिट क्या होता है? तो ऑर्बिट आर दोज इमेजिनरी लाइंस ऑन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये एक सन है, ये सारे प्लैनेट्स हैं जो कि इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और ये वो ऑर्बिट है जिस पे वो लोग रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे इस 10th स्टैंडर्ड में जो भी चैप्टर्स हैं उसके लिए एटम के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी होगी। अब एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग के जो भी पीरियोडिक टेबल हैं उसमें कुछ इनर्ट गैसेस हैं, तो उन इनर्ट गैसेस में आता है जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये सब हमारे इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस कहने का मतलब कि ये एक ऑक्टेट फॉर्म करेंगे, यानी कि इनके आखिरी ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इन रिएक्शंस और ऑक्टेट को जानने से पहले हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना होगा। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस एटम में जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके हिसाब से
हम लोग जब एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम में अरेंज करते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा कि जैसे कि मैंने ये अरेंजमेंट किया है, तो ये क्या है, ये एक एटम है, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर लिथियम का 3 है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सो इसके मतलब कि इस एटम में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो किस ऑर्बिट में एक कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकलता है और यही सब रूल है जिनको हमें ध्यान रखना होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं, तो देखिए, हम लोग पहले ऑर्बिट को एस ऑर्बिट कहते हैं, जैसे सॉरी एस सब ऑर्बिटल, ये होता है सब ऑर्बिटल भी हम लोग जानेंगे। पहले ये जान लीजिए, ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, तो इसको लिखेंगे 1s2 2s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, यानी कि एस ऑर्बिटल में है दोनों, और एक के पास पहले ऑर्बिट में 2 है और दूसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ऑर्बिटल, तो सब ऑर्बिटल ऑर्बिटल आखिर होता क्या है, तो ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिट में वो एग्जैक्ट लोकेशन होता है जहाँ पर वो एटम प्रेजेंट हो, सॉरी जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 6 सब ऑर्बिटल होते हैं जो कि हैं एस पी डी एफ, सॉरी 4 ही होते हैं, एस पी डी एफ। एस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर सकता है, पी ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है, डी ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कि देखिए 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो ये एस पी डी एफ आपने जाना। अब जैसे कि एक टेबल है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो जैसे कि आप ये टेबल देख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f, जैसे कि पहले मैं s था p d f और ऐसे ही करते करते सारा बढ़ते गया। तो मैंने ये लाइंस इसलिए खींची हैं कि जब भी आप किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले ये बात जान लीजिए कि ये जो 1 है ये ऑर्बिट को डिनोट कर रहा है और ये जो s है वो सब ऑर्बिट को। तो ये पहले 1 है तो 1 को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1s2, उसके बाद किसको कर रहा है तो 2s2, उसके बाद 2p6, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p6 4s2, उसके बाद 3d10 4p6 और 5s2, उसके बाद 4d10 5p6 और 6s2, उसके बाद 4f14 5d10 6p6 और 7s2। तो ऐसे ही करके हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब मान लीजिए जैसे कि मुझे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होंगे। देखिए यहाँ से देखिए 1s2, यानी कि पहले 1s2 लिख दे रहे हैं, अभी भी मेरे पास 6 बचा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 2s2, अभी भी मेरे पास 4 बचा हुआ है, यानी लेकिन उसके बाद 2s2 के बाद क्या करना है 2p6, तो 2p6 ये तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर सकता है लेकिन हमको कितने डालना है, तो सिर्फ 4 यहाँ पे लिख देंगे 2p4। तो ये हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब आपने ऑर्बिटल जान लिया, ऑर्बिट जान लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है ये हम लोग समझ गए। सो अब हम लोग जानेंगे कि एटम पे चार्ज क्या होता है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब आपका पढ़ा हुआ होगा तो ज़्यादा जानकारी के लिए बुक में, अभी हम लोग एक शॉर्ट रिकैप उसका ले रहे हैं। सो अब हम लोग जानेंगे कि एटम पे चार्ज कैसे आता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब ऑक्सीजन 2 इनर्ट गैसेस के बीच में आता है, तो वो पहला इनर्ट गैस है हीलियम। हीलियम एक ऐसा इनर्ट गैस है जिसमें एक्सेप्शन है कि ये ही सिर्फ एक इनर्ट गैस है जो एक ऑक्टेट फॉर्म नहीं करता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। और दूसरा इनर्ट गैस है नियॉन।
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6। तो आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने बोला था कि इनर्ट गैस कभी भी कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और वो एक अपने ऑक्टेट फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो देखिए, ये पहला ऑर्बिट में, तो इसका दो, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे नियॉन का बनाऊँ, यहाँ पे प्लस चार्ज, पहला ऑर्बिट और ये दूसरा ऑर्बिट। तो देखिए, पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया। अब दूसरे ऑर्बिट में देखिए, ये दूसरा, ये पी सब ऑर्बिटल है और ये एस सब ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे दो है और यहाँ पे छः, यानी कि टोटल दूसरे ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये एक ऑक्टेट फॉर्म कर रहा है और इसीलिए ये एक इनर्ट गैस है। तो ये दोनों के बीच में ऑक्सीजन है। तो अब आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो देखिए। वो कुछ इस तरह से है। तो देखिएगा कि अगर हम इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डाल दें तो ये नियॉन की तरह हो जाएगा, और अगर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से सारे 6 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये हीलियम की तरह हो जाएगा, जो कि हीलियम का देखिए यहाँ पर हीलियम। तो या तो हम इससे 2-6 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या फिर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए गेन करना ज़्यादा आसान होगा, इसलिए ऑक्सीजन पे -2 चार्ज रहता है। अब ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, ये -2 हुआ क्या? तो जैसे कि देखिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, इसके पास कमी है। तो कमी यानी कि माइनस, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ गया, -2। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है वो है NOF। N यानी कि नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। तो सिर्फ एक फ्लोरीन ही है जो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन उतने रिएक्शंस में पार्टिसिपेट भी नहीं करता, मोस्ट ऑफ द में हम लोग को ऑक्सीजन ही देखना रहता है। तो ऑक्सीजन पे +6 चार्ज इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि ये जब भी कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है तो यही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे। ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया फ्लोरीन। ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन। सो अगर कभी आपको कंपाउंड मिल जाए NO2, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा जो कि हो जाएगा आपको -4। और अगर नाइट्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हो जाता है 1s2, 2s2 एंड 2p5, यानी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नहीं, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 7 होते हैं और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे नाइट्रोजन का अगर मैं बनाऊँ तो इनर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 5। तो देखिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम की तरह बन जाएगा या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन की तरह बन जाएगा। तो जब नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन या फ्लोरीन नहीं रिएक्ट कर रहा होगा तब इस पर नाइट्रोजन पे होगा -3 चार्ज, और जब ऑक्सीजन या फ्लोरीन दोनों में से कोई भी एक सब्सटेंस इसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो इस पर चार्ज हो जाएगा +5। तो यहाँ देखिए, -4 +5 +1, और इसी के साथ हम लोग रेडिकल बनाना भी सीख गए। जैसे कि देखिए, ये NO2 जो कंपाउंड बना इस पर क्या आया, प्लस चार्ज, यानी कि ऑक्सीजन पे -4, यहाँ +5 यानी कि +1, यानी कि ये कंपाउंड
इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने एटम पे भी चार्ज देखा कि एटम पे चार्ज कैसे आता है, या तो उसको इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है या फिर वो लूज़ करना। अब लूजिंग कैपेसिटी किसके पास होती है, तो वो मेटल्स के पास होती है। एक मेटल का मैं एग्जांपल लूँगा, जैसे हो गया ये मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम कैसे हो जाएगा, जब आप मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है हम लोग का 12 Mg 12, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो यहाँ देखेंगे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप टेबल देखेंगे कि 1s2, 2s2, 2p6 के बाद हमें यहाँ नहीं जाना है। देखिए 2p6, उसके बाद क्या है, एरो किधर जा रहा है, 3s2 पे। तो 3s2 पे जाना है, तो 3s2 पे गए, तो 3s2 पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए इसका अगर हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये बन जाएगा नियॉन की तरह, और अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब ये जाकर के आर्गन की तरह बन जाएगा। तो मेटल्स मतलब कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि मेटल्स पे माइनस चार्ज आना। वो मतलब कि लेबोरेटरीज में भी शायद ही बनता हो, इसलिए हम लोग ये देखेंगे कि ये बनेगा नियॉन की तरह। तो नियॉन ये बनेगा, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, ज़्यादा यानी कि प्लस। तो Mg पे +2 चार्ज होगा। अब जब नॉन मेटल और मेटल का कंपाउंड बनेगा तो उसे हम लोग आयोनिक कंपाउंड कहेंगे, और जब सिर्फ नॉन मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड बनेगा तो उसे कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। लेकिन नॉन मेटल और नॉन मेटल, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, तो इस तरह से आप पहचान भी सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड मेटल है और सॉरी कौन सा कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है और कौन सा कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड है। तो अब हम लोग एटम पे भी चार्ज समझ गए कि एटम पे चार्ज कहाँ से आता है और कंपाउंड पे चार्ज कहाँ से आता है। एक और कंपाउंड का मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, जैसे कि NH3 हो गया। अब NH3 पे आप गौर करेंगे तो देखिए NH3 में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी कि इस पे क्या होगा, नाइट्रोजन पे तो या तो -3 चार्ज हो सकता है या फिर +5, यानी कि या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा यानी कि क्या, इसमें -3 चार्ज। अब हाइड्रोजन को तो प्लस पॉजिटिव बनना ही होगा, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन एक है, ऐसा 3 हाइड्रोजन है, यानी कि 1 × 3, यानी कि 3 + 3, तो +3 - 3 = 0, यानी कि ये कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है। आज के वीडियो में इतना ही, और मुझे लगता है कि अगर आपको रिएक्शन या फिर वो सब चैप्टर्स पे गौर करना है तो आपको या रेडिकल्स या फिर आयन्स पे तो ध्यान देना ही होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।